इसके अलावा IEX के शेयर पे हम बात ज़रूर करेंगे। IEX का शेयर पिछले 9% कल हमने कट आते हुए देखा था, आज भी 10% की कमज़ोरी दिखा रहा है। इसके पीछे तमाम खबरें चल रही हैं। हमारे रिसर्चर आपको ज़रूर बताएंगे कि क्या कुछ खबरें हैं और क्या कुछ चल रहा है IEX में, और इसके बाद हम एक बार अपने एक्सपर्ट से भी उनसे राय लेंगे। आइए समझते हैं अशेषा से कि क्या कुछ खबरें आ रही हैं IEX को लेके, और क्यों पिछले 2 दिन में 20% की गिरावट दिखा चुका है ये पर्टिकुलर काउंटर। अशेषा बताइए। जी हाँ, IEX के शेयरों में पिछले 2 दिनों से काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कल और आज के सेशन को कंबाइन करें तो करीब करीब 18 से 20% का फॉल IEX में देखने को मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर से कल नोटिफिकेशन आई जहां उन्होंने मार्केट कंपलिंग का ऐलान कर दिया है, जिसका मतलब ये होता है कि अक्रॉस एक्सचेंजेस सभी एक्सचेंजेस पर सेम रेट पर ट्रेडिंग की जाएगी। इसी के चलते IEX को इंटेंसिफाइंग कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। अभी IEX एक सबसे नोटिफाइड और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है स्पॉट प्राइसेस डिटरमाइन करने के लिए, और अगर ये मार्केट कपलिंग किया जाता है तो कंपनी काफ़ी रिस्क फेस कर सकती है कंपटीशन के तौर पर। इनफैक्ट कंपनी ऑलरेडी काफ़ी कंपटीशन फेस कर रही है। पिछले कुछ क्वार्टर्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट शेयर 96% से घटकर 87% पर हो गया है। कंपनी वॉल्यूम्स में भी गिरावट फेस कर रही है, और स्पॉट प्राइसेस की बात करें तो स्पॉट प्राइसेस हायर साइड पे है, जिसके चलते कंपनीज बाइलैटरल ट्रेड्स भी कर रहे हैं, और रेगुलेशन भी एक बड़ा रिस्क है IEX के लिए। अभी ये नोटिफिकेशन आया जिसके चलते स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है पिछले 2 दिनों से, और इसी के चलते एक्सिस कैपिटल की भी एक रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने बिकवाली की राय दी है, डाउनग्रेड कर दिया है स्टॉक को, और अब बिकवाली की राय दी है। 111 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। एक्सिस कैपिटल का मानना है कि इस नोटिफिकेशन के चलते पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ही एक रिस्क पर है, और उनका मानना है कि वेट एंड वॉच सिचुएशन अब नहीं रही। उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है स्टॉक को और 111 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अशीषा पूरी जानकारी बताने के लिए। जिस तरीके की खबरें चल रही हैं, जो बिजनेस मॉडल है जहां पे प्राइसिंग तय करती है IEX स्पॉट प्राइसेस, वहां पे खतरा हो सकता है, कंपटीशन बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है, और अगर ये पूरा प्राइसिंग को लेके कपलिंग की जाती है तो और भी प्लेयर्स इसमें आ सकते हैं। इसके चलते आप देखिए, कल भी मार्केट जब बंद होने वाला था उसके आसपास ये खबर आई 10% का कट, और आज भी 10% की गिरावट दिखा रहा है। एक बार किरण आपसे समझेंगे, क्योंकि कई सारे इन्वेस्टर्स अपने आप को यहाँ पे फंसा महसूस करते हैं। खबरें तो नेगेटिव हैं, बट क्या इतने शार्प फॉल के बाद थोड़ा सा ओवरसोल्ड लग रहा है IEX, और जिनके पास ऑलरेडी है क्या उन्हें कुछ एवरेज आउट करने की सलाह देंगे आप? ओवरऑल जैसे आपने बताया कि इस गिरावट के बाद डेफिनेटली डेली चार्ट के ऊपर IEX एक ओवरसोल्ड जोन के अंदर या तो ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा है, लेकिन आप अगर मंथली चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं 127-130 का एक जो सपोर्ट था उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये 130 के ऊपर नहीं जा रहा है तब तक एक इसमें रिस्क ओवरहैंग है ही डेफिनेटली। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, जब तक ये 130 के ऊपर नहीं जाएगा देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम नीचे में कहीं ना कहीं 115 से 112 के बीच में बॉटम बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बॉटम फिशिंग नहीं करना चाहिए। अब जिनके पास है ऑलरेडी वो अब इस मोड पे एटलीस्ट 115 या 112 का वो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे, क्योंकि अगर वो टूट जाएगा तो फिर इसमें गिरावट और भी आ सकती है। तो नए खरीदारी के लिए 130 जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक नहीं करना चाहिए, और जिनके पास है वो 115 या तो 112 का एक कोई स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही इसमें होल्ड रखिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी वीक है, स्ट्रक्चर यहाँ पर काफी कमजोर दिख रहा है IEX का। लेकिन चलिए आगे